ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल इतनी दूर। ये थोड़ी सी बड़ी होगी, तहजीब से चीजें लेकर आई है। प्यारी बहन का बैग आ गया लेकिन वो अभी नहीं पहुंची। और ये जो बैग है ना, अब जो भी मेरी बेइज्जती इन व्लॉग्स में होगी वो मेरी बहनें कर रही होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज की वीडियो का स्टार्ट ले रही हूँ। सुबह कोशिश कर रही थी मगर आज कुछ तबीयत दोबारा डाउन है, सर में दर्द और सब कुछ। तो मेरी बहन आने लगी है कमरा प्रिपेयर कर, वैसे ऑल दो साफ़ होते हैं लेकिन दोबारा से थोड़ा प्रिपेयर करूँगी। और मीठा बना रही हूँ एग पुडिंग, जो बहुत अच्छी मेरी बनती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी। और फिर रोज़ा खोलेंगे इंशाल्लाह ताला, और देखें क्या करते हैं फिर आज। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। हाँ शायद कंफर्टर्स दो निकाल लो, ये नए वाले और ये वो दोनों, वो जो नई शीट्स हैं वो भी निकाल लो, ये वाले। हाँ अच्छा जी, एक्स्ट्रा कुशन्स मैंने वहाँ से निकाल दिए क्योंकि वो फिर सब लोग ना कुशन हटा हटा के बैठते हैं, तो मैं नहीं चाह रही थी कि कुशन्स ख़राब हो, तो मैंने ये हटा के निकाल दिए। आयरा इज हेल्पिंग मी। आयरा टेक दिस टू लाउंज, थैंक यू। हाँ बस ठीक है, ले आओ। और ये बेड चाहिए भी, और ये मैंने अपने प्यारे गेस्ट के लिए सब मेरी ब्रांड न्यू है, सारी के सारी शीट्स और वो सब वो ली हैं। और वैसे अच्छा ही होता है अगर आप मेहमानों के लिए कुछ नया ले लो ना, तो साफ़ सुथरा और अच्छा होता है उस कमरे के लिए। मुझे प्लीज़ ये ना लिखिएगा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए नहीं, मैंने वैसे ही कहा है कि मैं भी यूम नहीं होता लेकिन नॉर्मली मैं ट्राई ये कर सकती हूँ कि जो चीज़ें मैं नहीं ले सकूँ वो मैं ले लेती हूँ। और अब ये ज़्यादातर तो चीज़ें मैंने, क्योंकि खदीजा की शादी पर ना मैंने सारा कुछ बेडिंग्स वगैरह सारी नई की थी, तो वो मेरी वैसे की वैसी नई पड़ी नहीं थी, लेकिन स्टिल मैं भी ले आई थी क्योंकि इतनी भी महंगी नहीं है कि मैं ना ले सकूँ। आयरा इरशाद के पीछे पीछे रहती है हर वक्त। ये बेडशीट है, और शाह जी जो पिलो कवर्स, इसका दो है कि एक है? जी एक है ना, एक 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 एक। एग पुडिंग के लिए ना पहले थोड़ी सी चीनी कैरमलाइज करने के लिए, थोड़ी सी चीनी को ना कैरमलाइज करना, ये मैं थोड़ी कम कर रही हूँ, थोड़ी ज़्यादा ले ली है। नीचे इसकी जो ऊपर जो नहीं कैरमल्स आता उसके लिए आपने थोड़ा सा इसको ऊपर रखा है मैंने, ताकि ये मेल्ट हो जाए, फिर मैं इसको इस वाले बोल में डालूँगी। अच्छा बड़ा बोल निकालूंगी, बड़ा बोल वो वाला बोल नहीं, साइज वाला बोल, बड़े बोल तो वैसे बोलते हैं लोग काफ़ी। अच्छा इसको मैं साथ साथ मिक्स करती हूँ ताकि ये शुगर एक सेकंड में अगर होती है ना तो ये जलने का इसका खतरा होगा। जो मीठे हैं ना ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी मीठे हैं उनका तो यही होता है कि उसको आपको बहुत ज़्यादा बार 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 हिलाना पड़ता होता है, जैसे खीर और बाकी की चीज़ें हमारे ख़राब हो जाती हैं। अच्छा जी ये मैं पास्ता बनाने लगी वाइट सॉस के साथ, इसके लिए मैंने ये एल्बो सॉरी शेल शेप जो है ना पास्ता वो बॉयल किया है। पहले 6 अंडों का मैं बना रही हूँ, तो 6 अंडे, अंडे का 6 एग्स, 6 अंडे, इवेपोरेटेड मिल्क का 1 टिन है बड़े वाला, कंडेंस मिल्क का 1 टिन है, इस आपको फिर चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ में ये फूल है। अच्छा और ये 6 अंडों का बन गया, तो ये इसके टोटल है ना, ये इंग्रेडिएंट है ना सारे सारे इसके, तो ये इसके मैं वैसे इसमें ना मैं एक एक्स्ट्रा डालूँगी दूध का, वो नवी थी उठाते जाना। ये मैं इसको कैरमल इसका बना रही हूँ, ऑलमोस्ट बन गया। जल्दी फैला लें ताकि ये ज़रा सा फैल जाए, नीचे चम्मच मुझे चाहिए होगा। ये कैरमल नीचे आ गया, एग्स बीट हो गए, अब इसमें ये ले लीजिए। ये चीज़ें वैसे तो लोग दूध में बनाते हैं लेकिन ये भी दूध ही होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ना
इतनी देर पकाना ये वो नहीं होता, और आपके पास ये चीज़ें एवेपोरेटेड मिल्क वही चीज़ है जो एवेपोरेटेड है ऑलरेडी, सो आपका टाइम बच जाता है उससे। ये डल गया, कंडेंस मिल्क डल गया इसमें। आप कंडेंस मिल्क ऐड करें तो ज़ाहिर है आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए फिर इसका वरना जो पुडिंग है उसका साइज़ चेंज हो जाता है। इसका साइज़ इतना चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि सब चीज़ें पानी कंटेंट ऑलमोस्ट नहीं है। ये तो देना मुझे डबल डालेंगे स्पेच। मैं पोर कर रही हूँ इसे। बॉइल्ड हॉट सॉस के लिए मैंने, अब मैं इसको जरा सा गर्म करूँगी। साथ बैग बिछा दिया। अच्छा जी, टॉवल्स रख दूँ मैं। ये फ्रेश टॉवल्स में लाई थी, ये चैनमन से लिए थे। और ये है इस कमरे का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, हल्का सा पर्पल सा, बेड भी इसी कलर का था। ये खदीजा की शादी पे लाई थी मैं, और अभी तक ही यूज़ नहीं हुए थे मेरे। इट्स रह गए हैं, ये भी मैं बिछाती हूँ। बेड रेडी। अच्छा, यहाँ पे भी बेड लगा दिया शाद ने। ये है, हाँ डाल दो। ये दो कलर क्यूब्स ऐड कर रही हूँ इसमें मैं डालती हूँ जिसका अच्छा लगता है इसमें क्रिस्पी और भी थोड़ा सा, जैसे वो ब्राउन हुआ है ना उसमें मैदा डाला है थोड़ा सा, और दो पैकेट छोटे वाले पैकेट दूध के डाले हैं, और अब दो कलर क्यूब्स। फिर मैंने चिकन की एक लेयर डाली है, डाल रही हूँ मतलब। आज की बात है, और वो ये है कि जब ये खातून थक जाती है ना तो ये ऐसे इधर बैठती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, वापस रख दो। अच्छा, आजकल जो आप लोगों का बड़ा शौक है ना, आपका घर कभी बिखरता नहीं है, ये नहीं होता वो नहीं होता, तो देख लें ये सारी चादरें बिखरी हुई हैं। उन सब लोगों को जिनको ये एतराज़ होता है उनको ये समझ आ जाएगी, देख लें। तो शाह सीधी कर लो, दिखा दिया मैंने। लेकिन ये बड़ा काम कर रही होती है, मुझे बड़ा इसका भी सहारा है। शाह जी, क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने यहाँ से आज उठा दिए। थोड़ी सी बड़ी होगी, तहजीब से चीज़ें लेकर आई है। आज की अफ्तार हमारी फ्रूट चाट, दे भले, समोसे, पकौड़े और शाश्लिक स्टिक से तहजीब से सादिया लेकर आई है, और रूह अफ़ज़ा, और ये बादाम का मिल्क शेक, बादाम का शेक है। क्या इंतज़ार कर रहे हो, मैं एडजस्ट करूँ तो तुम रखोगे? है ये, इसको साइड पे कर दो वरना। इसको बाजी के ग्लास को इधर रख दो। सादे बादाम का बनाया मिल्क शेक, ये तुम्हारा वाला है, इसमें स्ट्रॉ डाल दिया और बाकी का ये। और ये समोसे ना बहुत अच्छे मिलते हैं हमारी मार्केट से, बहुत ही अच्छे। ये उन्होंने उमर भाई हैं, सबीना और उमर भाई, वो उस दिन लेकर आए थे तो के उन्होंने कहा बहुत ही अच्छा, फिर मैंने काफ़ी दफ़ा मंगवाए भी हैं, शेयर भी किया आप लोगों के साथ। शान रमज़ान टीवी पे लगाया हुआ है। एक मेरा अच्छा टाइम होता है ना इस वक्त, वो ये कि जब कसीदा बुर्दा शरीफ जब आता है तो उस वक्त स्टार्ट हो जाता है हमारे इस्लामाबाद में अजान का टाइम, और रोज़ा खुल जाता है। की बात यह है कि मेरी बहन फेरी भी आ गई है, और हम लोग जब खाना खाने लगे हैं तो थोड़ी सी ग्लिम्सेस दिखाऊंगी। चिकन चर्सी कढ़ाई, और ये लज़ानिया का भी मैं उठाती हूँ गरम गरम है, फिर दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे। सबसे ज्यादा दुनिया में खुशी का वक्त होता है ना वो चाय का वक्त होता है, गम और खुशी चाय से मनानी चाहिए। अच्छा, इसको जो तुम नोट करा बचपन में होते थे, गम भी हजर, गम भी खुशी से मनाना चाहिए चाय से। मतलब कि आप गेस करो चाय खत्म करता है ना, चाय गम खत्म करती है और खुशी लाती है, और सबसे अच्छी बात यह कि चाय कोई भी बना सकता है।
कोई भी इंक्लूडेड है अब जो भी मेरी बेइज्जती इन व्लॉग्स में होगी वो मेरी बहनें कर रही होंगी। मैं चाय बनाना मेरे उसमें नहीं है शामिल, तो इसलिए सुबह कल शादी ने मुझे कहा मैं चाय बना के दूँ, मैं इनका बना दूँ, फिर ये बना के लाई तो उसने कप नहीं गर्म किया था, चाय ठंडी थी, मगर मैंने इसकी मोहब्बत में इसका कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान है इस किताब बस ऐसे ही निकालोगे तो ब्लैक वाली, हाँ ब्लैक वाली इंशाल्लाह। और जो सारे लोग जो बाहर से देखते हैं ना उनके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मैं बता रही हूँ सबको, वो ये है कि अगर आपका VPN पे कनेक्ट, सॉरी UAE में जहाँ WhatsApp और बाकी चीजें काम नहीं करती ना, वहाँ पे अगर आप लूडो खेलते हुए बात करें ना तो आपको कोई VPN की उसकी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। प्यारी बहन का बैग आ गया लेकिन वो अभी नहीं पहुंची, और ये जो बैग है ना मिले थे हमारे जिस बात वो थे, हाँ ये नादिया तुम्हारा बैग पड़ा हुआ है इधर सामने, ये यूनुस पक्षी मेरे लिए आया है, यूनुस पंखा बहुत अच्छा, मैं खोलने लगी हूँ ऐसे बाद में इसको, हाय फेरी इसके ऊपर तो कोई एम्ब्रॉयडरी वाला ऐसे और एक और खूबसूरत, ये पंखा है किसी के साथ की मेरा बेटा मेरे और मैं आपसे एक्सेप्ट लूंगी, ये वीडियो है, वीडियो है ओके। टूरिस्ट जा रहे हैं, वैसे तो काफी रात हो गई, पता नहीं क्या टाइम है, 11 बजे ना क्या आपकी बर्थडे के लिए इंतजार कर रहे हैं का, और ना कुछ थोड़े से लोग हैं ज्यादा, वैसे रश ज्यादा ही होता है। अच्छा ये जो सामने नजर आ रहा है ना इसके ऊपर जो ब्लूटूथ का नजर आ रहा होता है जैन आप दोस्त और नजर आपसे मैं अपने लोग को 5 साल पहले ऑलमोस्ट चांद रात है यहां हम लोगों ने कार बहुत दूर पार्क की थी क्योंकि ट्रैफिक और उसकी सारी वजह से ना, मतलब क्या पार्किंग ही नहीं थी कहीं भी, तो हम लोग पैदल वॉक करके जा रहे हैं। सर आपको कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। अच्छा जी, अच्छा इस्लामाबाद में वॉक भी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत मज़ा, मौसम अच्छा आता है जी। पाव वॉक वो है पाव, मेरा भाई, मेरे सारे भाई बड़े होते हैं, छोटे भी हो ना तो भी वो बड़े ही होते हैं, ये मेरा मानना है। अगर सेंट टॉरस दरख्त इतने अच्छे और मौसम इतना अच्छा, वॉक बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे, थोड़ा सा बस पार्किंग ज़रा दूर है, वॉक करते करते अभी हो जा रहे हैं। लिया अभी कुछ नहीं है, थोड़ी देर पर कल दोबारा आएंगे तो देखते हैं क्या, मैं लूलू से और जनरेशन ही देखा था अभी, वो भी देखेंगे फिर आएंगे इंशाल्लाह। नीचे नीचे रास्ते और मंजिल इतनी दूर, ये हमारा सबका कारवान टाइप जा रहा है हम लोग सारे, ये कुछ वो है माशाल्लाह से बच्चे, अभी हम सारे लोग नहीं हैं, अभी कुछ लोगों ने आना भी है, हम उनका वेट कर रहे हैं कब आएंगे, सुबह इंशाल्लाह नादिया पहुंच जाएगी। ईद बहुत ही खुशी का मौका होता है और हम सबको लमिया खुशी भरी ईद, नासिर खुशी भरी ईद अल्लाह ताला हमारी नसीब में करे और हम मना सकें खैर खैरियत से और सेहत तंदरुस्ती के साथ इंशाल्लाह ताला। कल मिलेंगे, उससे पहले सहरी करेंगे, तो आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। सांसों की माला पे माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीकारी।